सुनाता हूँ। वैसे तो मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, थैंक गॉड आप इस पे हंसे नहीं, जब ये लाइन सुनाता था हर जगह पे हंस जाते थे। आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट माय इमेज एंड पर्सनालिटी हियर, इट इज गोइंग गुड। वैसे तो मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ मगर अपनी बाई आंख से परेशान हूँ, अपने आप चलती है लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा, उसने हमें देखा और बाई आंख चल गई। वैसे तो मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ मगर अपनी बाई आंख से परेशान हूँ, अपने आप चलती है लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा, उसने हमें देखा और बाई आंख चल गई। लड़की हाय हाय कर क्लास छोड़कर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद हमें यार प्रिंसिपल सर ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया, हमने कहा सर भूल हो गई। बोले ऐसा भी होता है भूल में, शर्म नहीं आती तुझे आंख चलाते हुए स्कूल में, और इससे पहले की हकीकत बयान कर पाते फिर चल गए। प्रिंसिपल सर को खल गई, हुआ ये परिणाम स्कूल से कट गया नाम। अच्छा अजीब अजीब वारदातें होती थी, आप इस समस्या को समझिएगा, आप हंस रहे हैं लेकिन ये होता है मेरे साथ, सो थैंक यू मैम, आई नीड योर एप्रिसिएशन। सो एक बार खड़े थे क्यू में इंटरव्यू में, बहुत लंबी लाइन थी, हमारी सूरत थी अनयूजुअल वेरी फाइन थी, आगे थी एक लड़की, अचानक मुड़ी, उसकी नजर हम पर पड़ी और आंख मुड़ी चल गई। लड़की उछल गई। उम्मीदवार चौके, लड़की के पक्ष में भौंके और हम भागे, हम आगे वो पीछे। भागते भागते एक महिला के घर में जा घुसे। इंसिडेंट भी ऐसी होता है महिला के घर में। भागते भागते एक महिला के घर में जा घुसे, महिला ने पूछा कौन, हम खड़े रहे मौन हाफ रहे थे, महिला ने पूछा कौन, और इससे पहले कि कुछ कह पाते आंख मुई चल गई। महिला चिल्ला गई, तुरंत लोगों की भीड़ वहां आ गई। फिर क्या था, मार मार जूते चप्पल बना दिया हमारा बक्कर। हम चीखते रहे और पीटने वाले हमें पीटते रहे, भगवान जाने कब तक निकालते रहे रोष, और जब हमें आया होश तो देखा अस्पताल में पड़े थे, नर्स और डॉक्टर घेरे खड़े थे। नर्स ने पूछा दर्द कहाँ है, खामोश सवाल का पिटा हुआ आदमी पड़ा हुआ है बेड पे, यार ये कोई क्वेश्चन है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती थी। नर्स ने पूछा दर्द कहाँ है, कहाँ कहाँ मुस्कुराते हैं, और इससे पहले कि कुछ कह पाते हैं चल गई। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करिएगा, जब चलनी है तो आप बोल दीजिएगा। तो जो पूछा अस्पताल में पड़े थे, नर्स और डॉक्टर घेरे खड़े थे, नर्स ने कहा दर्द कहाँ है, कहाँ कहाँ बताते, और इससे पहले कि कुछ कह पाते बाई आंख चल गई। इस पर नर्स कुछ नहीं बोली पर डॉक्टर को खल गई, बोला इतने सीरियस हो, ऐसी हरकत कर रहे थे उस साल में, शर्म नहीं आती तुम्हें मोहब्बत करते हो अस्पताल में। अब थोड़ी देर बाद आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय, बोला भाग जाए चुपचाप, नहीं जानते आप, बात बढ़ गई है, डॉक्टर को कर गई है, आपका केस बिगड़वा देगा, और कुछ नहीं हो सका तो मुर्दा बदलाकर जिंदा करवा देगा। तो थोड़ी देर बाद आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय, बोला भाग जाए चुपचाप, नहीं जानते हैं, बात बढ़ गई है, डॉक्टर को कर गई, आपका केस बिगड़वा देगा, कुछ नहीं हो सका तो मुर्दा बदलाकर जिंदा करवा देगा। भैया आप मूत खिड़की से कूद भाग आए, चलो जान बची तो राख हो पाए। अब एक दिन सरकारे पिताजी हमारे बोले हमसे, अब क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते हो तो भैया शादी कर लो। तो उस दिन ये मालूम पड़ा कि जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो शादी कर लेते हैं। तो मैं 3 साल पहले ये गलती कर चुका हूँ। सो पिताजी बोले क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते हो तो शादी कर लो। एक लड़की देखी है, हेल्थ की कच्ची है मगर लड़की बड़ी अच्छी है, शादी कर लोगे तो समझ जाओगे, खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे, भगवान का नाम लेकर पहुंच गए रुड़की देखने लड़की, शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास, तो मेरा सांप की वो चल गई। आप लोग खुल के हंस सकते हैं, सबसे खतरनाक आइटम आपके पास बैठे, तो शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास,
बोली यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? खामा खाका प्रश्न फिर से आ गया जी, कोई जरूरत नहीं थी इस सवाल की, मैं बैठा हुआ था। बोली यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्या बताते हो इससे पहले कि कुछ कह पाते। सास ने सोचा मचल गई। बोली मैं बेटे की माँ हूँ, माँ, बेटे की माँ, बेटी अंदर है, उसे बुलाऊं? और इससे पहले कि जुबान हिलाऊं, चल गई दोबारा, उसने किसी का नाम ले पुकारा, झट से खड़ी हो गई। हमारे पिताजी का सारा प्लान हो गई, हम जैसे गए थे वैसे ही लौटे आए, घर आए मुंह लटकाए। पिताजी बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने से, आग लगे सी जवानी में, डूमर चुल्लू भर पानी में, चले क्या खाते हो, कैसे चलाते हो, जहां भी जाते हो चले पिट के ही आते हो। बहुत गंभीर समस्या, आप मजे ले रहे हैं, भगवान ना करे कि आप जाने क्या खाते हो, कैसी चलाते हो, जहां भी जाते हो पेट के ही आते हो। भैया तुम अपनी ये बाई आंख फोड़ लो, और नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता तोड़ दो। अब आप ही बताइए, मेरा मतलब है कोई हल निकालिए, केवल एक लड़की, जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा, जिसकी एक बाई आंख चलती हो, पता लगाइए और मिल जाए तो आभार, मुझे बताइए। Thank you so much. Excellent.